भाई ब्रेकिंग भी अच्छा है इसका, पावर का कोई कमी नहीं है। एग्जॉस्ट नोट आप शायद शायद सुन पा रही हो, इसका एग्जॉस्ट का पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही शानदार है। होंडा सीवी RS 350 जो टॉप मॉडल है तो बेटा ही हाँ दोस्त ने कौन टा दिया एटा दिया है एटा दे चलो ठीक है ओके 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 चलो देखते हैं। जो भी है बाइक का लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव, फिर पता चलेगा कैसा है क्या कुछ है बाइक। होंडा सीवी RS 350 और ये जो मॉडल है ये टॉप मॉडल है, तो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है गाइस हंटर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और मैंने हंटर भी पहले चलाया, हंटर से इसका जो टॉप स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, और इसका जो टॉर्क है BHP है तो हंटर से बहुत ही ज़्यादा है। तो हंटर BHP के मामले में और पावर के मामले में हंटर इसके सामने बच्चा ही है। जो भी है सबका अलग अलग पसंद। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,62,000 और हंटर का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,07,000 से 2,10,000 तक, डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो इसके ऊपर। जो भी है चलाने में तो अच्छा खासा है, बाइक स्मूथ है। और एग्जॉस्ट नोट मुझे जो पसंद आया मतलब वो क्लासिक रॉयल क्लासिक या हंटर के हिसाब से इसका एग्जॉस्ट साउंड बहुत क्लियर एंड बहुत लाउड, जो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। इसको देखते हैं थोड़ा भगा के, जो भी है इतना ज़्यादा भगाने का मौका नहीं मिल रहा, फिर सिटी राइड में तो मज़ा है स्पीड के साथ आते हैं। इसको टेस्ट करते हैं पर अच्छा है। इसका हॉर्न भी सिंगल हॉर्न है पर पावरफुल है, आपको हॉर्न में कोई दिक्कत या कमियां नज़र नहीं आएगा या आपको कम नहीं लगेगा इसका जो हॉर्न का बेस या जो साउंड है क्रिस्टल क्लियर है। ब्रेकिंग भी है बाइक ABS चैनल के साथ आते हैं, जो कि ब्रेकिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा सेफ फील करवाएगा, राइड में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको देगा, क्योंकि इस ABS ब्रेकिंग सिस्टम आपको दिए जा रहे हैं। और इसमें एक जो खास मुझे अच्छा लगा आज के डेट में, इसमें E20 जो इथेनॉल पेट्रोल है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल रहता है वो वाला फ्यूल है, फ्यूल से ये चलेगा, तो एक एक्स्ट्रा फीचर्स हो गया। और गाइस आपको सिटी में चलाने में भी कोई दिक्कत या कोई मतलब बाइक जो हैवी है आप चलाते वक्त इसे फील नहीं कर पाओगे कि बाइक बहुत ज़्यादा हैवी है या कुछ इतना ज़्यादा हैवी बाइक आप चला रहे हो, ऐसा आपको महसूस नहीं होने देगा ये बाइक। और लुक्स तो आप देख ही चुके हैं, बहुत बहुत बेटर है रॉयल हंटर या रॉयल क्लासिक से अगर कंपेयर करें तो। अब मतलब सबका पसंद अलग अलग है, किसी का सबका पसंद को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मेरे को हंटर या दूसरा जो क्लासिक है उससे तो अच्छा मेरे को ये लगा। पावर का कोई कमी नहीं है, एग्जॉस्ट नोट आप शायद शायद सुन पा रही हो, इसका एग्जॉस्ट का पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही शानदार है। चलो जो भी है अच्छा है, अब इसे घूमते हैं। भाई ब्रेकिंग भी अच्छा है इसका, ये जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो है इस बाइक का स्मूथनेस और इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड है, इंजन नोट बाप रे भयंकर है इसका एग्जॉस्ट साउंड, और बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो एग्जॉस्ट का जो साउंड है सुनने को भी अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसा है। फिलहाल बाइक में इको मोड पे आ चुका है, जो भी है शोरूम वाला इतना पेट्रोल इसमें डलवाया नहीं है,
मैं आपको सुनाता हूँ इसके एग्जॉस्ट नोट कैसा है, इसको एग्जॉस्ट और क्या कुछ है। अरे बाइक बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट पिकअप कैच करता है, तो चलाने में भी बहुत अच्छा ही लगता है। अब इसको रखा जाए अपने पोजीशन पे जहाँ पे था। इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक क्लासिक, बहुत ज़्यादा क्लासिक टाइप का मॉडल है, थोड़ा एग्रेसिव मॉडल भी आपको दिया गया है। तो देखते हैं इसका जो एग्जॉस्ट नोट है कुछ है ऐसा। और यहाँ पे लाउडली मैं नहीं कर सकता क्योंकि हम सिटी के अंदर हैं, कभी भी अगर मौका मिले तो इस एग्जॉस्ट नोट में सुनाएगा आपको। पर मुझे पर्सनली इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या बताएं, दैट्स ऑल, यही था।